हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची के आर्ट्स, जहां पर मैं यानी कि प्राची बनाती हूं आर्ट, क्राफ्ट एंड डीआईवाई रिलेटेड वीडियोस। सो आज के वीडियो में कोई आर्ट नहीं बना रही हूं, सिर्फ आपको जितना भी आर्ट मैंने आज तक बनाया उसमें कौन कौन से मटेरियल मैंने यूज़ किया है उसका एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले ये ब्रुस्त्रो की स्केच बुक है जिसका साइज़ A3 है। मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ जिससे A4 साइज़ का पेपर मेरे लिए रेडी हो जाता है। तो ये बुक मंडला आर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी है, ब्रश पेंस यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इसमें वाटर कलर का यूज़ करेंगे तो ये उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते जितना ब्रश पेंस के लिए देते हैं। ब्रुस्त्रो का ही स्केच बुक है जो कि A4 साइज़ का है और ये ब्लैक कलर का है, तो इसमें वाइट कलर से आप या वाइट कलर के पेन से आप इसमें मंडला आर्ट या ड्राॅइंग या जो भी आप पेंसिल्स का यूज़ करके इसमें आप आर्ट बना सकते हैं। इसका पेपर काफ़ी थिक है और वाइट वाले से इसका क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। सो मैंने इस ब्लैक पेपर पे यूज़ करने के लिए जेली रोल के वाइट पेन यूज़ किए हैं जो फाइन, मीडियम, बोल्ड ऐसे 3 शेड्स में है। इनका जो साइज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, 05, 08 और 10, ऐसा 3 पॉइंट्स में ये अवेलेबल हैं। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ये तीनों शेड्स को मैंने ब्लैक पेपर पर यूज़ किया। सो सबसे पहला जो पेन मैं यूज़ कर रही हूँ वो 05 पॉइंट का है और ये चलने में बहुत स्मूद है, बहुत अच्छे से इस पेपर पे ये यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब जो सेकंड पेन मैं यूज़ कर रही हूँ वो 08 पॉइंट का है, ये भी चलने में बहुत स्मूद है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो सबसे लास्ट में जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ वो 10 पॉइंट वाला पेन है। अभी इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम इसे रिवर्स में चला देंगे तो इसका इंक निकलता है और ये पेज को ख़राब भी कर सकता है, लेकिन अगर हमें कहीं पर किसी शेप में कलर फिल करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही जेल पेन्स हैं लेकिन इनके जो इंक है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी फैल नहीं रहे, हाथ में लग नहीं रहे। सो अब है बारी लग्जर के जो फाइन राइटर्स आते हैं उनकी। ये मेरे फेवरेट पेन्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं चलने में भी, यूज़ करने में भी, और हमारी जेब पर भी बहुत भारी नहीं पड़ते हैं। इनकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है और ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। सो अब मैं इनको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसे इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी है ब्रुस्त्रो के टेक्निकल पेंस की। ये आप देख सकते हैं कि 6 हैं मेरे पास, एक पैकेट में 6 आते हैं जिनके पॉइंटर्स ये लिखे हुए हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं यूज़ करने में, बट मुझे जब मैंने इसके आगे मैं आपको और भी एक ब्लैक कलर के पेन दिखाऊंगी, तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो मुझे ये टेक्निकल पेन थोड़े से रफ़ लगते हैं चलने में, और जो सेकेंड मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी वो बहुत ज़्यादा फाइन चलते हैं।
सो ये हैं ब्रुस्त्रों के फाइन लाइनर्स और ये बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे से चलते हैं, इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इनका ग्रिप बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली इन्हें अभी तक जितना भी चीज़ें मैंने यूज़ की है मैं इन्हें 10 out of 10 देना चाहूँगी, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब मैं आपको इन्हें यूज़ करके दिखाती हूँ और जो टेक्निकल पेन्स हैं उनके साइड में भी मैंने यूज़ करके दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे आपको पेपर पर इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा बट जब हम इसे यूज़ करते हैं तो दोनों पेन्स में चलने में जो फ्रीनेस होती है या स्मूदनेस होती है वो डिफरेंस हम यूज़ करने के टाइम पर मुझे समझ में आ रही थी। जब आप इसे यूज़ करेंगे तब आपको भी ये डिफरेंस समझ में आएगा। सो जो हमें टेक्निकल पेन्स हैं हमारे वो है 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 और 0.8, जबकि जो हमें फाइन लाइनर्स मिलते हैं उसमें हमें दो पेन एक्स्ट्रा भी मिलते हैं 0.6 का और 0.4 का, जो हमें टेक्निकल पेन्स में नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेन का शेप बहुत अच्छा है तो इन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो इनका ग्रिप बहुत अच्छा आता है और बहुत ही इजीली हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं। तो अब बारी है डॉम्स के ब्रश पेन की। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ इनका पैकेजिंग किस तरह का होता है, मेरा पैकेज थोड़ा फट गया है इसलिए मैं इसे पहले ही बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ। सो इसमें भी हमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं और ये चलने में बहुत स्मूथ होते हैं, इनका हम थोड़ा बहुत वाटर कलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम ब्रश और पानी का यूज़ करें तो। तो मैंने यहाँ पर हर एक कलर का अलग अलग आपको यूज़ करके दिखाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ब्रश पेन कितना इजीली यूज़ कर सकते हैं हम और कितना इजी होता है यूज़ करने के लिए। मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की थी उनका रिव्यू मैंने आपको दे दिया है और जो भी मुझे ऐसा लगता था कि किसी चीज़ में कोई कमी है या कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि सबका एक्सपीरियंस अपना अपना होता है तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ यूज़ करके आपको बतानी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।